विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अग्रवाल ने मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी निजी स्कूलों का सरकारी ऑडिट करना चाहिए। राज्य के सभी स्कूल कोरोना महामारी से बंद है और सभी पालक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उसके बावजूद भी मानवता को ताक पर रखते हुए पालकों को मनमानी तरीके से लूटा जा रहा है। अग्रवाल ने कहा कि सभी स्कूलें कई वर्षों से करोड़ों रुपए कमा रही है और इनके रिजर्व फंड में भी करोड़ों रुपए जमा है। राज्य के सभी स्कूलें धर्मादाय आयुक्त में पंजीकृत है। इन्हें ट्रस्ट या सोसाइटी में पंजीकृत इसलिए किया जाता है कि वे समाज सेवा और सुलभ शिक्षा उपलब्ध कर सके। सरकार द्वारा इन्हें विभिन्न प्रकार की छूट भी होती है। आयकर में 1 करोड़ रुपए तक सालाना स्कूल फीस से अर्जित करने वाले स्कूलों को धारा 10 उपधारा 23C के तहत टैक्स पूरी छूट मिली है। इससे ज्यादा जो फीस अर्जित करते हैं वे भी आयकर विभाग को छूट के लिए आवेदन देते हैं। सरकार का उद्देश्य समाज को सस्ती और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का है, इसलिए शिक्षण संस्था को छूट दी जाती है। सरकार चाहे तो उनके खाते का ऑडिट भी करा सकती है। हाल ही में एनएमसी कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्कूलों के साथ ली और अचानक कह दिया कि स्कूल वाले जो है कॉपी किताबें बेच सकते हैं और फीस ले सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि बच्चे हमारे हैं, क्या सरकार और स्कूल को ही अधिकार है उनका भविष्य तय करने का? बच्चे जिनके हैं उनसे कोई बात नहीं हो रही है, उनसे सिर्फ एक बात हो रही है कि भाई साहब आप फीस भर दो। अरे फीस कहाँ से भरते हैं? हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हम पहले फीस कहाँ से भरे?